Then we come to the medical examination, the most favorable questions which comes. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स शुड बी कवर्ड. इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, आपके पास पूरे का पूरा जो है वो होना चाहिए. क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ठीक होने चाहिए. जैसे आजकल तो आपके पास सेका करके होता है, जैसे कहते हैं सेक्सुअल सेक्सुअली असॉल्ट एवेल्यूएशन किट, विक्टिम की जो एवेल्यूएशन किट होती है वो आपको PFSA जो है वो खुद प्रोवाइड करता है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपने सारे का सारा जो है वो जो जो सैंपल्स लेने हैं और जो उस किट में चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करना होता है. ठीक है, पोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस पोजिशन इज़ डिफरेंट इन केस ऑफ सॉडमी एंड डिफरेंट इन केस ऑफ हियर, बिकॉज इन आपको लास्ट टाइम शायद पढ़ पढ़ के सारे बच्चे थक गए. रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम, क्वेश्चन किस पे आ गया था, सॉडमी पे. तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो वन इज ऑब्वियसली डिफरेंट, और उसमें एक्टिव और पैसिव आपने वो चीज़ें भी देखनी है, बट पोजिशन इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट. इन दिस सॉडमी वी आर गोइंग टू हैव द नी एल्बो पोजिशन, एंड इन दिस एग्जामिनेशन यू हैव टू हैव इन द लिथोटमी पोजिशन. द पेशेंट शुड बी इन द लिथोटमी पोजिशन. देन द स्टेप्स where the history of the allegation should be known, ठीक है. फिर examination of clothes is very very important, जो हम थोड़ा थोड़ा trace evidence में भी देख चुके हैं, ठीक है, कि वो disarrange थे कि नहीं थे, they have stains or not, they have some torns, cuts or not, they are in the coincidence with the environment, like for example if it is happened to be in some muddy area or some grass, there should be the stains of both things. So as you know about the Locard's exchange principle, that आपने अपने माइंड में उसको रख के इन सब चीज़ों की एग्जामिनेशन जो है वो करनी होनी चाहिए. एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जनरल एग्जामिनेशन समटाइम्स इफ द फीमेल इज फॉर एग्जाम्पल नॉट सिडेटेड, नॉट टायर्ड और समथिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू असेस द फिजिकल डिफ्रेंसिएशन एंड डिस्प्रोपोर्शन बिटवीन द मेल एंड फीमेल अकॉर्डिंग टू द स्टैचर, बिकॉज द डिग्री ऑफ द डिस्ट्रप्शन between the sexual organs should be in like alignment with the body structure of the two persons. So that is also very important, because as somebody says that rape is an allegation which is difficult to prove, but once it is proved it is very very difficult, almost impossible to disprove. So not only for the females it is difficult, sometimes if the false allegations are there it is also very difficult for the males to disprove this thing. theek hai, to wo is tarah se mushkil cheez hoti hai. Then the principles of the examination of this victim, जो हमें पता होने चाहिए कि examination should always be complete, always thorough examination should be there, ठीक है, casual approach नहीं होनी चाहिए. आपका जो threshold suspicion का हो ना कि ये झूठा इल्ज़ाम लगा रही है या ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, something like that, वो सबसे low होना चाहिए. आपको एक neutral environment के अंदर examination करनी चाहिए. जितनी आपको evidence collection हो सकती है वो evidence, sometimes because you know इफ द पेशेंट आपके पास, सॉरी, जो विक्टिम आती है या आता है दूर ऑर्डिनेंस, तो आता भी हो सकता है ना, इफ दे हैव टेकन द बाथ मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव नो एविडेंस विद यू, ठीक है, तो वो समटाइम्स आपने उनसे ये, इसीलिए दैट इज अ जनरल पब्लिक सर्विस मैसेज होना चाहिए जो हम वर्कशॉप्स वगैरह भी कराते हैं, दैट इफ गॉड फॉरबिडन समबडी हैज दीस थिंग्स, दे शुड कम्प्लीटली इन दैट कंडीशंस कम टू द मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन, बिकॉज आफ्टर समटाइम्स व्हेन दे हैव टेकन द शॉवर और they have passed the urine, it has very less chances to collect the evidences, and sometimes it is very difficult to prove that thing without the presence of the semen or without having the DNA. और बहुत मुश्किल हो जाता है अगर, और इसीलिए आप क्लोथ्स का पूछते हो कि क्लोथ्स चेंज किए या पुराने वाले क्लोथ्स किधर है, बिकॉज समटाइम्स यू कैन हैव द एविडेंस फ्रॉम दैट. सो प्रोटोकॉल ऑफ एग्जामिनेशन इतना डेड श्योर क्वेश्चन है ना. एक टेबल बना हुआ है नसीबा रहवान में प्रोटोकॉल ऑफ एग्जामिनेशन का, वहाँ से आप इसे कर सकते हो. कलेक्शन ऑफ स्पेसिमिन भी वहाँ से कर सकते हो. सो प्रोटोकॉल में फर्स्ट ऑफ ऑल द प्री एग्जामिनेशन, इट इज़ ऑलवेज मैंडेटरी टू हैव फॉर द फीमेल विक्टिम, ऑलवेज द फीमेल डॉक्टर शुड बी देयर, ठीक है. असेलियंट का एग्जामिनेशन कोई भी कर सकता है, एंड इन केस की जब पुराना मतलब होता था इस तरह से जिना का केस है तो उसमें तो ऑब्वियसली दोनों का एग्जामिनेशन होगा, इसमें भी दोनों का होगा, लेकिन इसमें फीमेल का एग्जामिनेशन, इन बोथ केसेस अ फीमेल इज गोइंग टू परफॉर्म द एग्जामिनेशन. कंसेंट शुड बी फ्री एंड ऑलवेज इनफॉर्म्ड रिटन कंसेंट शुड बी देयर, ठीक है. इफ अ पर्सन इज नॉट गिविंग कंसेंट यू आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म एनी इन्वेस्टिगेशन. पुलिस आपको जितना भी कहती रहे आपने कंसेंट के बगैर पेशेंट को टच नहीं करना, एंड सेंड ऑथराइजेशन, देयर शुड बी
अथॉरिटी लेटर टू यू बाय द पुलिस, और समटाइम अथॉरिटी लेटर का मसला इसलिए भी हो जाता है कि अगर पेशेंट खुद आ गई है ना आपके पास, कई दफ़ा पुलिस नहीं आती है, तो भी आप मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन कर लेते हो और साथ खुद आप इन्फॉर्म कर देते हो एज अ ड्यूटी ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर टू द इलाका थाना या जो भी है, क्योंकि आप उस वक्त अगर उसे भेज दोगे तो वो अगर घर चली गई, वो पुलिस के पास डायरेक्टली नहीं गई बिकॉज ऑफ सम फियर या कुछ, तो मेडिकल लीगल आपकी सारी कलेक्शन ऑफ वो नहीं हो सकेगी, ना एग्जामिनेशन शुरू का हो सकेगा. तो एज अ ड्यूटी आप परफॉर्म भी करते हो और साथ आप इन्फॉर्म भी करते हो, तो ऑथराइजेशन समटाइम प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेंट शुड बी देयर. देन बायोडाटा इन्फॉर्मेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन द जनरल इंप्रेशन, ओवरऑल लुक ऑफ द, नाउ एट दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल सेक्शुअल असॉल्ट विक्टिम और सर्वाइवर, ठीक है, उसके बारे में बात करें. ड्रेसेस एंड मेकअप ऑफ द विक्टिम, इफ देयर इज एन एटीट्यूड एनी, जो भी आपने अपनी असेसमेंट साथ साथ, डाउट नहीं करना लेकिन असेसमेंट अपनी साथ साथ करनी है, बिकॉज मैंने अपनी आंखों से दो तीन केस थे जब मैं करी थी, तो मेरे साथ जो सीनियर्स थी, मैं तो वहाँ पे ऐसे जूनियर थी, तो वो एक फीमेल थी और वो बहुत नॉर्मल थी एंड शी वॉज टॉकिंग अबाउट द थिंग. वो पूरी, जब उससे पूछते थे, शी इज जस्ट स्टार्टेड द स्टोरी और वो पूरा सारा, और आई वॉज लाइक इन टीयर्स, और जिस तरह आप होते हो जब आप छोटे होते हो, तो और मेरी जो साथ खातून थी सिंपथेटिक थी लेकिन बहुत फर्म थी जो सीनियर थी, और एट द एंड सब कुछ करते कराते बहुत एंड में पता चला कि दैट वाज अ फॉल्स एलिगेशन बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी, डेट रेप भी नहीं था, दैट इज अ विलफुल थिंग और सब कुछ. लेकिन वो उस वक्त आप थोड़े से ज़्यादा इमोशनल होते हो, टू द फीमेल साइड आप ज़्यादा होते हो, तो वो चीज़ें आपने बहुत न्यूट्रल लेके चलनी होती है. मेडअप स्टोरी जो होती है ना, वो हर दफ़ा ऐसे करके एक जैसी आती है, फिर भी बीच में से चीज़ें निकल जाती हैं. दूसरी स्टोरी में पेशेंट को ट्रॉमा में गुजरने में, उस चीज़ में जाने में टाइम लगता है, हेजिटेट कर रही होती है, तो बॉडी लैंग्वेज, साइकोलॉजिकल एनालिसिस, दीज ऑल थिंग्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने उसके एंटर होने के साथ ही असेस करनी शुरू कर देनी होती है विदाउट डाउट, लेकिन अपने माइंड में दोनों चीज़ें रखनी होती हैं बिकॉज आप बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हो उस वक्त वहाँ पे. देन हिस्ट्री इज द जर्नल एंड ऑब्स्टेट्रिकल, ऑल द हिस्ट्री शुड बी टेकन, ठीक है, जो उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री और ये सारी हिस्ट्री, सिडेशन की भी पूछ सकते हैं, वो बाद में हम ब्लड टेस्ट भी इसीलिए सारे कराते हैं कि उसको कोई सिडेटिव या ऐसा कुछ दिया तो नहीं गया था. रिगार्डिंग एनी चेंज ऑफ द क्लोथ, ठीक है, बाथ एंड वॉशिंग ऑफ द एरियाज, ये सब हमें पूछना है. स्पेसिफिक हिस्ट्री अबाउट द एलिगेशन, लिसन वेरी केयरफुली, इंक्लूड स्पेसिफिक एंड रेलिवेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे आपको फायदा हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको बोलने देना होता है जो उसने कहना है. अगर आपको लगता है कि कुछ इरेलीवेंट बातें हैं, समटाइम्स शी इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंड कि पूरी स्टोरी आपको नरेट कर सके, सो आपके माइंड में जो पॉइंट्स हैं वो आपने स्पेसिफिकली पूछ लेने हैं, ताकि आपको जो इजी हो जाए नरेट करना, ठीक है, और जो भी डिसीजन है उसमें हेल्प करना. वट वॉज द टाइम एंड प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हु रिमूव द क्लोथ, वट वॉज द पोजिशन, वट वॉज द प्लेस, ठीक है, वट वॉज डन, इधर इट इज वन पर्सन इज इन्वॉल्व और मोर पर्सन आर इन्वॉल्व, एनी सिडेशन इज इन्वॉल्व, हैंड वर टायर्ड और नॉट, ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो हैं, वट वॉज द लेवल, एनल सेक्स इज इन्वॉल्व और नॉट, वट इज द लेवल ऑफ द पेनिट्रेशन, एजैकुलेशन एंड ऑल दीज थिंग्स शुड बी आस्क्ड इफ शी इज नॉट गिविंग द डिटेल हिस्ट्री बाय हरसेल्फ बिकॉज ऑफ द हेजिटेशन. देन साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, एज आई टोल्ड यू स्पेसिफिकली इन केस ऑफ द रेप विक्टिम या जनाबुल जबर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द बिहेवियर ऑफ द विक्टिम, ऑब्वियसली शी शुड बी, मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज, स्पेसिफिकली अगर फॉरन आई है, कुछ दिन के बाद आई है, तो ऑब्वियसली ट्रामा थोड़ा सा कम हो जाता है, तो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, लेवल ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वेदर आंसर्स कम्स, इफ आंसर जो एकदम से आ रहे हैं या ज़्यादा देर से आ रहे हैं या जिस तरह से भी आ रहे हैं, तो वो आप उस वक्त, जाहिर है जब आप बिल्कुल न्यू होते हो तो आपको सीनियर्स के साथ करना चाहिए, और जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप ऐसी चीज़ें असेस कर लेते हो. देन फिजिकल एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन ऑफ क्लोथ्स एज आई टोल्ड यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज डिस्टॉर्टेड हैं क्लोथ्स, उन पे स्टेन्स हैं, इफ द वेट स्टेन्स आर देयर शुड बी ड्राइड, और वो जो हम बात करते हैं सर्कल करोगे, साइन करोगे, सेमिनल स्टेन कैसा नजर आता है यूवी लैम्प में, डल और फ्लोरेसेंट, शाबाश, फ्लोरेसेंट नजर आता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप परफॉर्म कर सकते हो, और फिर उसको पैक करके आपने एग्जामिनर, मेडिकल लीगल एग्जामिनर को विद लेबलिंग भेज देने होते हैं फॉर द सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है. देन जनरल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइन ऑफ स्ट्रगल्स देखने हैं, एब्रेशंस देखना है, स्पेसिफिकली इन द जेनिटल एरियाज, इन द थाइज, इन ऑल दीज एरियाज, द बाइट मार्क्स कैन बी देयर, एंड ऑल दीज असेसमेंट्स शुड बी डन बिफोर टेकिंग एनी स्पेसिमिन. जस्ट जनरल इंस्पेक्शन ऑफ द होल बॉडी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इफ शी इज सेइंग दैट टाई, मुझे टाई किया था, यू कैन हैव सम मार्क्स ऑफ द रोप, वहाँ पे देख सकते हो आप, पोजिशन बैक पे थी तो वहाँ पे क्या है, मतलब
ग्रिप मार्क्स कैन बी असेस्ड, ये सब चीजें एग्जैक्टली देखोगे. लूज हेयर इफ दे आर इधर बिलोंगिंग टू द सेलियंट और बिलोंगिंग टू द विक्टिम, दे शुड बी एग्जामिन एंड देन दे शुड बी कलेक्टेड. सो इंजरीज आर मोस्ट ऑफ द टाइम इन दीज एरियाज, दीज इंजरीज शुड बी वेरी केयरफुली ऑब्जर्व्ड. ब्रूजेज, एब्रेशंस जैसे मैंने अभी बताया, दीज शुड ऑल बी टेकन इन कंसिडरेशन. देन बाइट मार्क्स, इम्प्रिंट मार्क्स, दीज शुड ऑल बी टेकन. स्टेन्स, ऑल टाइप ऑफ स्टेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हैं कौन से, एंड देन टू कलेक्ट दैम एंड सेंड दैम टू द एग्जामिनर, बिकॉज कलेक्शन ऑफ स्पेसिमिन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. लूज हेयर जो आपने वो सारे देखने हैं और कलेक्ट करने हैं. देन ऑल द सिस्टेमिक एग्जामिनेशन कैन बी डन, बिकॉज सबसे बड़ा जो डिफेंस आता है ना सेलियंट का, वो आता है कि आई एम इम्पोर्टेंट. ठीक है, आई कैन नॉट डू दैट. सो फुल सिस्टेमिक एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन फॉर द इम्पोर्टेंस एंड ऑल दीज थिंग्स शुड बी डन वेरी केयरफुली. ठीक है, उसके बाद आपने इन चीज़ों पे बहुत फोकस करना है कि इंजरीज में रेजिस्टेंस कितनी हुई है. ठीक है, प्रोपोर्शन, जैसे एज ए टोल्ड यू के स्ट्रक्चर उनका देख के, और इस सब चीज़ों को आपने इंपॉर्टेंटली देखना है. अब ड्यू टू रेजिस्टेंस, इफ शी इज अनेबल टू रेजिस्ट बिकॉज ऑफ एनी ऑफ दीज सिनेरियोज जो इतने सारे आपको दिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली इसमें आपको रेजिस्टेंस मार्क्स उस तरह नहीं मिलेंगे. तो अपने माइंड में हमेशा हर चीज़ को ओपन रखना है कि ये नहीं था तो ये होगा, ये नहीं था ये होगा. ये नहीं है कि आपको रेजिस्टेंस मार्क नहीं मिले तो आपने स्ट्रेट अवे उसको एक केस बना दिया फॉर्निकेशन का. ठीक है, कि ये बाद में बदल गई है. आपने ये सिनेरियोज भी, और इसको फिर आप काउंटर चेक कर सकते हो कि ये चीज़ें थी कि नहीं थी. ठीक है, ड्यू टू दिस प्रोपोर्शन ऑफ द जेनेटेलियाज, ठीक है, ये भी एक्सटेंट ऑफ द वॉयलेंस कितना था. और ये डिपेंड करता है इफ़ द शी इज़ वर्जिन, इफ़ शी इज़ मैरिड, और इफ़ शी इज़ अ चाइल्ड, बिकॉज दीज थिंग्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट एरियाज. लाइक इफ़ शी इज़ अडल्ट अनमैरिड फीमेल एंड इफ द हाइमन इज इंटैक्ट, द लॉस ऑफ द हाइमन इफ हैपन्स इज नोन एज डीफ्लोरेशन. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन सी द स्टेटस ऑफ द हाइमन, द टीयर्स ऑन द हाइमन्स, और वो सब चीज़ें आप देख कर उसको कर सकते हो. सेकेंड इज इफ शी इज मैरिड, इफ़ द नॉर्मल टाइप ऑफ सेक्शुअल एक्ट इज, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी आई कैन से सैड, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेज इफ सिमन इज नॉट प्रेजेंट देयर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड द थिंग. ठीक है, बिकॉज कोई और इवन और सिमन भी टू दैट ऑफ दैट पर्सन जहाँ एलिगेशन हो रहा है उसकी बात हो रही है. अदरवाइज इफ नो मोर फोर्स और एक्स्ट्रॉर्डनरी सम मेजर्स आर नॉट देयर, नो स्पेसिफिक फाइंडिंग्स कैन बी सीन इन दीज टाइप ऑफ फीमेल्स. देन चिल्ड्रन, इफ मोस्ट ऑफ द टाइम एज यू नो विजाइना इज हाई, सो इफ द पीडोफाइल जो होता है वो, इफ ही इज अप्लाइंग टू मच फोर्स ओनली देन द पेनिट्रेशन ऑफ हाइमन इज देयर एंड दैट कैन कॉज द शॉक एंड द डेथ टू दैट चाइल्ड अनफॉर्चुनेटली. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेज इफ द हाइमन इज एज यू नो हाइमन इज टू हाई एंड दिस थिंग एक्ट, तो वो हाइमन इज नॉर्मली इंटैक्ट इन दैट केसेज, इफ शी सर्वाइव इन द अदर ब्रूजेज एंड अदर टाइप ऑफ इंजरीज यू कैन सी इन दैट केसेज. देन द जेनिटल एग्जामिनेशन और क्वेश्चन सब टाइम आ जाता है आपको, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ द लोकल जेनिटल एग्जामिनेशन. ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है. इसमें वही विजाइनल एग्जामिनेशन में द लाइट शुड बी देयर, ऑल जो आपके पास किट होती है, सेक किट जो होती है, वो आपके पास पूरी की पूरी जो सेक्शुअल से जो आपके पास ये है विक्टिम है उसकी शुड बी देयर विद यू. स्पेसिफिकली इन पंजाब में तो वो है, बाकी जगहों पे इतनी नहीं है. वो प्रॉपरली आपके पास होनी चाहिए, लाइट शुड बी एडिक्वेट. ठीक है, और ये आपकी सारी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए बिफोर गोइंग टू एग्जामिन द फीमेल. एंड दीज आर द स्टेजेस. अब इसमें यहाँ से मैंने डिजिटल एग्जामिनेशन नंबर 3 पे आती है वो नहीं हटाई, बिकॉज ये अब मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आती है. आप ये लिखो ज़रूर, ठीक है, नाम इसका, लेकिन इसके आगे आप एक बात लिखोगे जो मैं अभी आपको बताऊंगी. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवाइड कर देते हैं इट इनटू इंस्पेक्शन, बायोलैटरल ट्रैक्शन, डिजिटल एग्जामिनेशन सॉरी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या स्पेकुलम एग्जामिनेशन. ये तो नॉर्मल स्टेजेस के नाम हैं जो आपको हर जगह पे यूं ही मिलेंगे. ठीक है, ये चार आपके पास स्टेजेस आ जाती हैं. अब इसमें आपने बेसिकली आपको क्या लगता है, इन इंस्पेक्शन वी आर गोइंग टू लुक ऑब्वियसली हैव एनी टीयर्स, एनी इन्फ्लेमेशंस, एनी स्पॉट्स, एनीथिंग लाइक दैट. ठीक है, द पोजिशन ऑफ ऑल द लेबियाज एंड ऑल द थिंग्स यू शुड हैव टू लुक एट दीज थिंग्स, ये सारा आपने देख लिया. देन बायोलैटरल ट्रैक्शन शुड बी परफॉर्म इन ऑल केसेज वेदर शी इज मैरिड, अनमैरिड और समथिंग लाइक दैट. वहाँ पर क्या होता है, यू शुड हैव द कम्प्लीट लाइक नॉट इंटरनल बट थोड़ी सी आप जहाँ तक विद आईज देख सकते हो वहाँ बायोलैटरल ट्रैक्शन होती है. यू प्लेस द थम्स ऑन द 3 o'clock एंड 9 o'clock पोजिशंस
and then observe the tears. In case of normally the rape, the tears are complete and these are posterolaterally and mostly on the 5 o'clock and 7 o'clock positions. ठीक है, इन केस ऑफ डिजिटलाइजेशन और इन केस ऑफ लाइक दिस तो वो कंप्लीट नहीं होते, थोड़े एंटीरियर टीयर्स जो होते हैं वो होते हैं. ठीक है, सो वो आपने देख लिया. अच्छा जी, उसके बाद हम ये सारे एजेस वगैरह आपको बुक में मिल जाएंगे. जो इंपॉर्टेंट मैंने बताना है दैट इज डिजिटल एग्जामिनेशन. डिजिटल एग्जामिनेशन इज ऑल्सो नोन एज वर्जिनिटी टेस्ट और टू फिंगर टेस्ट. दिस इज बेसिकली डन टू नो अबाउट द पोजिशन ऑफ द हाइमन, हाइमन इज देयर, हाइमन इज दिस एंड दैट, और ये सब चीज़ें. तो इन 1921 4th जनवरी सुप्रीम कोर्ट का एक पैनल था जिसमें तीन जजेस थी, जिनमें स्पेसिफिकली द जस्टिस आयशा का नेम बहुत आता है. शी सेड व्हाट इज द डिफरेंस इफ शी इज अ वर्जिन और नॉट. इफ अ फीमेल हु इज ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज एंड यू नो यू कैन हैव दिस इंफॉर्मेशन बाय मेनी अदर मीन्स दैट शी हैज गॉन थ्रू रेप और नॉट, व्हाट इज द डिफरेंस, इज देयर एनी डिफरेंस ऑफ पनिशमेंट टू द विक्टिम. ठीक है, नो देयर इज नो डिफरेंस बिकॉज ये तो रेप है ना, दिस इज नॉट लाइक जिना. तो इसमें क्या डिफरेंस पड़ता है कि इफ शी इज मैरिड, और मैरिड नहीं भी है इफ शी इज नॉट वर्जिन. इवन अ प्रोस्टिट्यूट कैन कम एंड क्लेम दैट ओके आई हैव बीन रेप्ड. सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस थिंग टू नो दैट. सो वहां पे क्या हुआ कि फिर उसके बाद एंटी रेप ऑर्डिनेंस भी आया और ये 4 जनवरी से ये टेस्ट एबॉलिश हो गया है. टू फिंगर टेस्ट, डिजिटल एग्जामिनेशन और वर्जिनिटी टेस्ट इसका नाम होता था सो कॉल्ड, तो वो खत्म हो चुका है. आप इसका नाम जरूर लिखोगे, ब्रैकेट में बड़ा बड़ा लिखोगे कि ये इस पर्पस के लिए यूज करते थे. बट 4 जनवरी 2021 को उसके बाद जो एंटी रेप ऑर्डिनेंस भी आया और उसी हेयरिंग के अंडर बाद में, उसकी वजह से इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया. उसमें सेक्शन एक है जिसमें लिखा हुआ है कि दिस टेस्ट इज नाउ एबॉलिश्ड, दिस टेस्ट इज नॉट गोइंग टू हैपन. ठीक है, उसके बाद तो ये टेस्ट अब नहीं होता. इसके अलावा डायरेक्टली आखिरी एग्जामिनेशन होता है विच इज स्पेकुलर एग्जामिनेशन, विच इज नॉट फॉर द फीमेल्स हैविंग द फर्स्ट टाइम लाइक अनमेरिड थी या फर्स्ट डिफ्लोरेशन हुई थी. दिस इज फॉर द मैरिड फीमेल्स, वहाँ पे ओनली स्पेकुलम एग्जामिनेशन रहता है. दिस इज फॉर द रिग्रेसिटीज एंड वजाइनल रूम एंड ऑल दीज थिंग्स, सो दैट दीज थिंग्स कैन बी, और अगर स्पेसिमिन कलेक्शन करनी है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि जब आप कलेक्शन ऑफ स्पेसिमिन करते हो, दैट कलेक्शन ऑफ स्पेसिमिन शुड बी डन इंस्पेक्शन, बायोलैटरल करेक्शन एंड देन कलेक्शन ऑफ स्पेसिमिन. ठीक है, जब प्रीवियसली डिजिटल एग्जामिनेशन होता भी था तो कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, जो आप स्पेसिफिकली जो स्वैब्स लेते थे फ्रॉम द वजाइना, फ्रॉम द पोस्टीरियर फॉरनिक्स, 5 स्वैब्स आपने लेने होते थे. यू आर ऑलवेज गोइंग टू हैव दीज स्वैब्स बिफोर द डिजिटल और द स्पेकुलर एग्जामिनेशन, सो दैट कोई कंटामिनेशन ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए. तो जो किट होती है उसके अंदर यही होता है कि पहले उसके अंदर आपको मिलता है कि जी नेल स्क्रैपिंग्स आपने ठीक से लेनी है, क्लोथ्स लेने हैं. ठीक है, फिर स्वैब्स आपने नॉट ओनली फॉर दिस सेमिनल स्टेन्स, फॉर बाइट मार्क्स, सिलाइवा के स्टेन्स आपको जहाँ जहाँ मिलते हैं वो सब स्टेन्स आपने लेने, और हेयर जितने आप ले सकते हो वो उस किट में डाल के PFS से जाना होता है. क्योंकि यू नो कि अब हमारे पास सिंगल मीडियम क्या है इसको देखने का, सबसे ज़्यादा DNA. ठीक है, तो वो DNA चाहे सिलाइवा से मिले, चाहे सेमन से मिले, चाहे हेयर से मिले, अगर पूरे हेयर मिल गए विद रूट तो वो वहाँ से हम निकालते हैं. ठीक है, तो वो आपकी सारी की सारी कलेक्शन आ जाती है. मैं अब आपको इसका कलेक्शन का दिखा, हाँ, इस तरह से हम ये अपने दिमाग में, माइंड में ये चीज़ें रखते हैं कि ये हमारे पास प्रिंसिपल है और यूं करके हमने जो है वो कलेक्शन करनी है. सो यहाँ से हमने जो कलेक्शन ली वो आपने स्पेसिमिन इस तरह से लेने होते हैं. ठीक है, सारे आपने एरियाज अदर देन वल्वा आपने ये लिया. ठीक है, क्लोथ नेचुरल, ये सारे 5 स्टेन्स आपने उन एरिया से लिए, एंटीरियर पोस्टीरियर फॉरनिक्स से, उससे पहले प्री हाइमिनल एरिया से, थाइज से. In all these areas, you have to take the samples. Okay, if anal sex is involved, you can have from there also. The clothes, nail scrapings are very important most of the time because if defense wounds are there, so the skin of that assailant can be in the hair scrap, nail scrap, nails mein. Okay, and uske baad aap jo hai wo blood stains agar present hain, pubic hair if present hain, ye sare log hai. Okay, ye aapne sare stains in jagahon se lene hain. Okay, ye aapke paas list of the specimen hai. Along with you are going to have the control specimen where blood, urine, these or the simple pluck hair जो आप अपने सामने करवाओगे, ये सब आपने लेने हैं. For the specimen collection, female should always like एक white cloth आप बिछाते हो and the female should always undress by herself. और उसमें कुछ गिरता है तो आप सारा collect करते हो,
हेयर कॉम्ब करते हैं, उसके अंदर जो लूज मेटेड हेयर्स होते हैं दे ऑल शुड बी कलेक्टेड इन द पोलीथीन बैग, और फिर उसके बाद आप लिथोटमी पोजिशन पे बाद में जाते हैं, एंड देन यू हैव द जेनिटल और ये सारे जो बाकी स्पेसिमेन होते हैं वो फिर आप बाद में वहाँ से कलेक्ट करते हो. सो ये सारे आपने स्पेसिमेन कलेक्ट करने हैं, ठीक है. फिर कंट्रोल स्पेसिमेन, एज आई टोल्ड यू कि कंट्रोल स्पेसिमेन आपने कौन से लेने हैं, ठीक है. अच्छा, उसके बाद अननेचुरल हम कल थोड़ा सा देख लेंगे. अननेचुरल में सिर्फ इंपॉर्टेंट है 377 सॉडमी. सॉडमी में एक्टिव एंड कैटामाइट जो दोनों आपने देखने होते हैं, उन दोनों के आपने एग्जामिनेशन करने हैं, एंड एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिफिकली द पैसिव एजेंट इज बाय द नी एल्बो पोजिशन. चारों चीजें इसमें भी वही होंगी, इंस्पेक्शन, बायोलैटरल ट्रैक्शन, ठीक है. डिजिटल इसमें नहीं खत्म हुआ अभी, ठीक है. डिजिटल एग्जामिनेशन एंड स्पेकुलम एग्जामिनेशन, एंड ऑल द स्पेसिमेन कलेक्शन शुड ऑलवेज बी लाइक दैट. वो सारी आपने उसी तरह लेनी है. तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है और आपने बहुत ज्यादा तैयार नहीं भी किया हुआ सॉडमी को, तो आप ऑलमोस्ट पॉइंट्स उस तरह टच करके तीन चार ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि भाई एक तो ये अननेचुरल में आ गया, इसका तो वही चला गया, हदूद ऑर्डिनेंस में आता ही नहीं है, पीपीसी में आता है, ठीक है, 337 में आता है, पनिशमेंट 10 ईयर्स है इसकी, और इसमें कलेक्शन उसी तरह से करनी है, एग्जामिनेशन उसी तरह से करना है, ठीक है. एक्टिव एजेंट का अलग होगा, वो हमने सेलियंट का भी इतना नहीं पढ़ा और हमने ज्यादा विक्टिम का पढ़ा है, तो इसमें भी ज्यादा पैसिव एजेंट का ही जो है वो आएगा, ठीक है. तो वो अगर आप हल्का सा भी पढ़ लोगे ना सोडमी, तो आपका कवर हो जाएगा थोड़े से डिफरेंस के साथ. कल हम देखेंगे थोड़ा सा ज्यादा जो आप खुद घर में पढ़ोगे वो प्रेगनेंसी है, ठीक है. आप लोग खुद पढ़ लो, उसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता. यहाँ पे थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंस देखेंगे, बिकॉज इम्पोर्टेंस इसके डिफेंस प्ली के तौर पे आता है, और ज्यादा हम पढ़ेंगे अबॉर्शन, स्पेसिफिकली द क्रिमिनल अबॉर्शन, ठीक है. तो वो क्रिमिनल अबॉर्शन पे हम ज्यादा कल बात करेंगे, ठीक है. थैंक यू वेरी मच.